भारतीय संस्कृति की चर्चा जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक आध्यात्मिक संस्कृति है। अब यह शब्द भी बड़ा दूसरा अर्थ आजकल के समय में रखता है। ऐसा लगता है इस शब्द को सुनने से कि इस लोक में शायद उसकी कोई गति नहीं है या इस लोक की इस संस्कृति को कोई समझ नहीं है। बात ये नहीं, इस संस्कृति का आध्यात्मिक का मतलब है अधिआत्म, आत्मा पर केंद्रित आधारित। और आत्मा पर आधारित संस्कृति का जो स्वरूप होना चाहिए या जिस तरह के प्रश्न इस संस्कृति में पूछे गए हैं, जिनसे जिसकी चर्चा अभी मुझसे पहले दो विद्वान वक्ताओं ने बड़े विस्तार से और बड़े प्रभावशाली ढंग से की है, उसमें ये आती है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन स्वयं को कितना जानते हैं। स्वयं को जानना भी तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिससे सब कुछ जाना जाता है वह क्या है? उपनिषद में एक प्रश्न आता है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। मैं नहीं समझता कि किसी भी दूसरी संस्कृति में इस कोटि का प्रश्न पूछा गया। आचार्य से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ऐसे प्रश्न सरल भले लगते हों लेकिन ये ऐसी संस्कृति से निकले हुए प्रश्न हैं जो एक आध्यात्मिक ज्ञान मूलक संस्कृति है।